हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ ब्लॉगर ट्यूटोरियल में, और टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स कि हाउ टू डाउनलोड ब्लॉगर थीम और इसे आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे अपने ब्लॉग पर अपडेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो शायद आप अवेयर होंगे, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ब्लॉगर की थीम जो इनबिल्ड होती है, जो हमारे ब्लॉगर में होती है, उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं और लेआउट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। आज की जो टॉपिक है हमारा वो है कि थीम को हम बाहर से डाउनलोड करेंगे, इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे और उसे अपने ब्लॉग पर अपडेट करेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से तो आप थीम को सर्च करते हैं, किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और वो कौन से स्टेप होंगे जो आप यूज करेंगे उस थीम को अपने ब्लॉग पर अपडेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा कि हमारे चैनल की यूएसपी है कि हम प्रैक्टिकली ज़्यादा देखते हैं, तो आइए चलते हैं अपने ब्लॉग पे। तो आपको पता होगा अगर आप न्यू यूजर हैं तो मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, ब्लॉगर ट्रेनिंग इन नोएडा एंड दिल्ली। ठीक है, और इसी ब्लॉग पे मैं सारा आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, चाहे वो एनालिटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर हमने इस पे नई पोस्ट डाली है, पहली पोस्ट डाली है, सारी चीज़ें मैं इसी ब्लॉग पे करता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने फ्रेंड्स क्या बताया था, देखिए जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि थीम में जाते हैं हम, तो थीम में देखिए यहाँ बहुत सारी थीम्स हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके की बहुत सारी थीम्स मिलेंगी। अभी के करंट में हमने अपने इस ब्लॉग पे ये वाली थीम अपडेट की हुई है। अगर आप इस थीम का URL देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको इस ब्लॉग को दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा ब्लॉग का URL है bloggertutorialtraining.blogspot.com। ठीक है, तो ये वाली थीम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये वाली थीम है। अब हम आज बात करने जा रहे हैं कि इस थीम से ना लेके हम किसी बाहर से कोई थीम डाउनलोड करेंगे और उसे यहाँ अपडेट करना है तो उसका क्या तरीका होगा फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं गूगल पे और हम यहाँ पे सर्च करते हैं थीम्स। ठीक है, अब देखिए जैसा हम ब्लॉग बनाते हैं, जो हमारा ब्लॉग का नेचर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्लॉग का नेचर है एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री ब्लॉगर थीम डाउनलोड फॉर एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने ये सर्च कर दिया। बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इस पर बहुत सारे लिंक्स यहाँ आते हैं, मैं पहले लिंक पर ही क्लिक कर देता हूँ। और जब इस लिंक पे मैंने क्लिक किया तो फ्रेंड्स आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट आएंगे, ये देखिए, और इसमें ऑप्शन दिया है डाउनलोड टेम्पलेट का। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एजुकेशन साइट्स का है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये एजुकेशन साइट का है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये एक और विंडो ओपन होके आई, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड। ठीक है, अगर आप इसका लाइव डेमो लेना चाहते हैं किस तरीके से ये थीम होगी, कैसी दिखेगी, तो ये काम भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आप जब तक श्योर ना हो कि हाँ ये थीम मेरे जो ब्लॉग बनाया हुआ है जिस भी कॉन्सेप्ट को लेके या मेरा जो नेचर है ब्लॉग का उससे ये रिलेटेड होगी या नहीं होगी, तभी आप इसे आगे बढ़ें। अदरवाइज आप और थीम भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं जो आपके नेचर से बिलोंग करती हो, आपके ब्लॉग के नेचर से बिलोंग करती हो, उसी को आपको अपलोड करना है। तो देखिए अब हम फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे लिए एक जिप फाइल डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे देखिए ये हम शो ऑल में जाते हैं और देखिए ये हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो गई। यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं और एक ये फोल्डर है ये हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने और भी बहुत सारी थीम्स यहाँ डाउनलोड की हुई हैं, कोई भी हम ले लेंगे। मैंने आपको सिर्फ अभी ये बताया कि डाउनलोड करने के बाद कैसे करेंगे और करने के बाद के स्टेप क्या हैं। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं, यहीं पर हमने ये एक्सट्रैक्ट कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो एजुकेशन साइट थी यही हमने अभी डाउनलोड की थी, इसके अंदर हम जाते हैं। अंदर जाने पे देखिए एक ही इसमें फाइल मिलेगी आपको XML डॉक्यूमेंट की। ठीक है, और इस XML का ही हमें यूज करना है इस थीम को अपने ब्लॉग पर अपडेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो डाउनलोड करने का तरीका आपको समझ आ गया कि हमें पहले सर्च करनी है, फिर डाउनलोड करनी है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें उसकी XML फाइल देख लेनी है कि कौन सी है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं, अपने ब्लॉग पे आते हैं, ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आते हैं। तो देखिए थीम में जब हम थे तो यहाँ पे कस्टमाइज में जब आप क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन आते हैं। एक आता है बैकअप का, एक होता है रिस्टोर,
स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, एडिट HTML और मोबाइल सेटिंग। ठीक है, तो अभी थीम को अपडेट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि देखिए अभी हमारे ब्लॉगर पे, ब्लॉग पे ये वाली थीम पड़ी हुई है। अब होगा क्या कि मैंने जब थीम अपडेट कर दी, लेकिन उस थीम को अपडेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरी जो पुरानी वाली थीम थी वो अच्छी थी, तो वो कैसे करेंगे। तो इसीलिए कभी भी जब आप थीम को अपडेट करने जा रहे हैं तो अपनी करंट थीम का बैकअप जरूर लें। कैसे लेना है फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहला ही जो ऑप्शन है वो है बैकअप का। आप इस पर करेंगे क्लिक और देखिए ये ऑप्शन आता है कैंसिल और डाउनलोड, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये थीम हमारी डाउनलोड हो गई। ठीक है, सो इन फोल्डर, इस थीम को लेके हम इसे क्या करते हैं अपने फोल्डर में इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, सेम थीम है ये, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, ये फाइल कर दी। अब उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉगर पे आते हैं। ब्लॉगर पे आने के बाद डैशबोर्ड पे आते हैं और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ क्लिक करते हैं कस्टमाइज के पास और आता है एक रिस्टोर का ऑप्शन। रिस्टोर पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये हमसे ऑप्शन पूछता है कि यू कैन अपलोड ए थीम फ्रॉम ए फाइल ऑन योर कंप्यूटर। तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ और जहाँ पे मैंने ये थीम डाली थी, देखिए एजुकेशनल साइट की, ठीक है, इसके अंदर गया और हमने क्या लिया, XML डॉक्यूमेंट सिर्फ हमें यहाँ देखना है। ठीक है, इस पर क्लिक किया और मैंने ओपन कर दिया। देखिए रिस्टोरिंग थीम आ रहा है, देखिए रिस्टोर्टेड थीम, थीम हमारी रिस्टोर्टेड हो चुकी है। अब देखिए डिफरेंस कैसे पता चलेगा, अभी मैंने इस URL को रिफ्रेश नहीं किया है तो जो करंट थीम है मेरी ये वाली है। मैं अब यहाँ जाता हूँ और इस नए थीम को अपडेट करता हूँ और नए URL में ओपन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से बन के आएगी, क्योंकि यहाँ इसमें हमें कुछ बैनर डालने होंगे, बहुत सारी चीज़ डालनी होंगी, तभी हमारी प्रोफेशनल लुक में आएगी। इसके बाद इसमें मैंने एक दो थीम और अपलोड की हुई हैं, मैं उसमें से आपको लेके दिखाता हूँ। देखिए रिस्टोर करते हैं, अपलोड करते हैं और देखिए जो हमारी बहुत सारी यहाँ पे थीम पड़ी हुई थी उसमें से मैं एक लर्नर की लेता हूँ। ठीक है, इसमें दो तरीके की थीम है, एक है लर्नर विदाउट स्लाइडर और एक है लर्नर। तो विदाउट स्लाइडर वाले पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं अपडेट करता हूँ। देखिए ये मेरी रिस्टोर्टेड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगेन एक नए टैब में ओपन करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये आपको बहुत क्लियर इसका लुक एंड फील है तो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कि हमारा क्या है, किस तरीके से जो चीज़ें हमारी अपने ब्लॉग पे थी वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ अवेलेबल है। तो थीम फ्रेंड्स मेरी बहुत आसानी से अपडेट हो गई। अब अगर इस URL को मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो मेरी लेटेस्ट थीम है वो आ जाएगी। तो ये तो था फ्रेंड कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपडेट करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे ये थीम पसंद नहीं है, मेरी जो पहली थीम थी जिस पे मैं अपना ब्लॉग चला रहा था मुझे वही थीम करनी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने क्या लिया था, एक बैकअप लिया था। अब उस बैकअप को रिस्टोर करने का टाइम है। कैसे करना है, सिंपल, जैसे हमने नई थीम के लिए किया है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगेन हम यहाँ क्लिक करेंगे, रिस्टोर पे जाएंगे और अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम थीम ना लेके हमने जो XML डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया था उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे और ये हमारा जो पुराना जो थीम थी जिससे हमने स्टार्ट किया था वो थीम हमारी अपडेट हो गई। कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स, जब हम इसका URL देखेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए यही वाली थीम थी जो हम शुरू से यूज कर रहे थे, शुरू से चला रहे थे अपने ब्लॉग के लिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने ब्लॉगर के ब्लॉग की थीम को अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसकी कौन सी फाइल XML फाइल का आपको यूज करना है और सिंपल उस XML फाइल का यूज करके आप अपने ब्लॉग की थीम को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आगे जब कस्टमाइजेशन हम सीखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई भी चेंज हमें XML फाइल में करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे नए टॉपिक्स, नए तरीके अपने ब्लॉग को बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट का लुक देने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपके पास जो लेटेस्ट वीडियो है जल्द से जल्द पहुंचते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।